तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो एडजॉइंट ऑपरेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़े हैं हमने, उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एडजॉइंट ऑपरेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं हम लोग वंस अगेन। ओके, तो एडजॉइंट ऑपरेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर पे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ जो क्वेश्चन में काम में आएगा। वो ये है कि जैसे हमने ये बोला कि कोई भी क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करनी हो, मतलब सपोज एक पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम पता करना है, उसकी एनर्जी पता करनी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का एनर्जी मोमेंटम या कुछ भी पता करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास में क्या होता है, ऑपरेटर होता है। तो वो ऑपरेटर उसके वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दो। सपोज एक पार्टिकल अपने पास में, इस पार्टिकल के बारे में हमारे को बातें पता करनी है, एनर्जी मोमेंटम, तो इसका जो वेव फंक्शन है वो साइज ले लो। अब मान लो आपको इसका मोमेंटम पता करना है इस पार्टिकल का, तो इसका जो वेव फंक्शन है इसके ऊपर इसका मोमेंटम का ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर दो। ये मोमेंटम का ऑपरेटर अगर आपने इसके ऊपर लगा दिया ये वाला, तो आपको जो इसके बाद में जो वैल्यू मिलेगी वो मोमेंटम की वैल्यू भी मिल जाएगी और कुछ भी मिलेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करने पर अपने को मोमेंटम मिल जाता है। अगर इसी में मैं अगर मैं साई के साथ में अगर एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई कर दूं तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। वेलोसिटी का ऑपरेटर अगर अप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब व्हाट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप ऑपरेटर अप्लाई करते हो इसके ऊपर। तो ठीक है, मतलब ये बात समझ में आती है कि हर एक चीज के लिए अपने पास में क्या है, एक ऑपरेटर डिफाइन किया गया है, एक ऑपरेटर बनाया गया है। ठीक है, अभी जब मैं बात करूं मोमेंटम ऑपरेटर की, जैसे संवेग संकारक की, किसकी, मोमेंटम ऑपरेटर की, मोमेंटम ऑपरेटर संवेग संकारक, तो संवेग संकारक जो है वो पी के एफ से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अगर 1D के लिए लिखते हैं तो डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं, अगर 3D के अकॉर्डिंग बात करूं तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड लिखते हैं हम लोग इसको, ऐसे लिखा जाता है। कूल है, ठीक है। बट ये तो 3D में हो गया, दिस इज फॉर 3D। बट अगर 1D के लिए बातें करूंगा मैं, तो 1D के लिए अगर मैं बात करूं तो माइनस आयोटा एच कट ये डी बाई डी एक्स ऐसे हो गया। 1D के लिए जैसे सपोज ये ले लिया मैंने, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स को ऐसे लिखा जाता है डेल, इसको क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, इस पी केप को ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में, ये 1D के लिए हो गया। सेम वे में ये हो गया मोमेंटम का, इसको एक दूसरे तरीके से भी आप पढ़ोगे कहीं पर, अगर आपको देखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये आयोटा है, ऊपर भी अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या मिलेगा, ऊपर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 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 स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस वन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एच कट हो जाएगा ऊपर, तो नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आ जाएगा, ये डी बाई डी एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा एच कट आयोटा ऐसा, डी बाई डी एक्स को डेल लिख देंगे हम लोग। ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑपरेटर हो गया आपके पास में। अब अगर मैं एनर्जी ऑपरेटर की बात करूं, ये मोमेंटम ऑपरेटर हो गया। जनरली जो मैं यूज करूंगा, मैं ये वाला ऑपरेटर यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मेट काम में लूंगा मैं। ठीक है, आप जो चाहे मर्जी वो काम में ले सकते हो, दोनों एक ही तो बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी ऑपरेटर। तो देखो ऊर्जा संकारक के बारे में बात करें तो ऊर्जा संकारक क्या है, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर ऐसा है, एनर्जी ऑपरेटर एक तो टाइम के टर्म्स में आता है, एक मोमेंटम के टर्म्स में आता है, एक तो संवेग के पदों में है, एक समय के पदों में। तो एक तो ऐसा आता है आयोटा एच कट डी बाई डी टी, ये तो टाइम के टर्म्स में है, किसके टर्म्स में, समय के पदों में, इसको तो टाइम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, समय या काल आश्रित, समय पर आश्रित, टाइम डिपेंडेंट, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं टाइम डिपेंडेंट। एक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो ऐसा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही आएगी,
और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे तो लिखते हो पी स्क्वायर बाई टू एम, अरे लिखते हैं ना हम लोग, वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था ये वाला फॉर्मेट, मैंने बताया था कैसे बनता है। वैसे तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, बट उसका दूसरा फॉर्मेट ऐसे होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये पी है तो पी कैप लगा दूं यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेटर में बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो, पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वी है तो उसका ऑपरेटर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो जो पी कैप है, पी कैप का अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, पी कैप क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, अगर 1D में बात करूँ तो। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, क्योंकि स्क्वायर पुट करना है ना, अगर स्क्वायर करूँ तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट आयोटा और आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस एच कट का एच कट स्क्वायर और ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा पी। ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखो क्या हो गया, एनर्जी का जो ऑपरेटर है एक फॉर्म ये आ गया, एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो उसका एक फॉर्म ये आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी केप। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट आ गया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर डी बाई डी एक्स जो होता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स को डेल लिखते हैं तो डी स्क्वायर बाई डी डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर। तो ये ऐसा प्लस वी के, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऐसे भी लिखा जाता है। अगर हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, अगर क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो हमारे पास में जो हैमिल्टोनियन है उसका वैल्यू केवल इतना आएगा, ठीक है। वन सेकेंड, ये वेट वेट वन सेकेंड, हमने जो किया था वो तो गायब हो गया, फिर सेव नहीं हुआ। तो अब क्या, मैंने तो बता दिया था, आपने छाप लेना था ना उसको। ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। अरे आपने तो लिख ही लिया ना, मतलब आप तो बैग जाके उसको लिख सकते हो, तो आप लोग तो लिख लेना, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं ना, क्यों वापस से इसको रीस्टार्ट करना। हम लोग क्या करते हैं, आप इसमें देख लेना पीछे जो आपने वहाँ तक लिख ही लिया था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट में जाके, हम लोग एनर्जी का ऑपरेटर पढ़ रहे थे, हैमिल्टोनियन मिल गया था, एच कैप इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर प्लस वी कैप, ऐसा बोल रहा था मैं, इसको हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल दिया था, ठीक है। फिर मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता रहा था कि क्या, कि अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जैसे मान लो फ्री पार्टिकल होता है ना, कोई मुक्त कण होता है, मुक्त कण होता है, कोई बल नहीं लग रहा, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। तो अगर अगर फ्री पार्टिकल के लिए बात करूँ, फ्री पार्टिकल मुक्त कण के बारे में बात करूँ, मुक्त कण आज़ाद परिंदा वैसे, मतलब कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसका, जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो एच के पी इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस की बात करते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर पे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो हर्मिशियन ऑपरेटर पे दो क्वेश्चन है और वो कौन से क्वेश्चन है, देखो सुनो, क्वेश्चन में ये बात कर रहा हूँ मैं क्या, कि प्रूव दैट एनर्जी ऑपरेटर
एंड मोमेंटम ऑपरेटर आर हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि ऊर्जा, लिख लो हिंदी वाले, सिद्ध करो कि ऊर्जा संकारक एवं संवेग संकारक है वो हर्मिटी संकारक होते हैं। कैसे संकारक होते हैं? हर्मिटी संकारक होते हैं। मतलब मुझे दो क्वेश्चन हो गए एक तरीके से, एक तो मुझे किसके लिए कैलकुलेट करना है, एक तो मुझे एनर्जी ऑपरेटर के लिए कैलकुलेट करना है, और एक किसके लिए, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए कैलकुलेट करना है। इन दोनों के लिए मुझे पता करना है कि ये दोनों क्या करने हैं, मुझे हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूव करना है। दोनों का एक ही पैटर्न है, एक ही तरीके से प्रूव करेंगे। देखो दोनों को अलग अलग दो क्वेश्चन हो गए ये। पहले मैं एनर्जी वाले के बारे में बात कर लेता हूँ, एक को ठीक से समझ लो, दोनों समझ में आ जाएंगे। तो मैं पहले एक के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी ऑपरेटर। तो एनर्जी ऑपरेटर वाला, इसको इसको फर्स्ट पार्ट ले लो, ए पार्ट ले लो। तो एनर्जी ऑपरेटर पे मैं प्रूव करूँगा कि एनर्जी ऑपरेटर कैसा है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखो, हर्मिशियन ऑपरेटर है उसका मीनिंग क्या होता है, आपको ये तो पता है कि खुद खुद का एडजॉइंट हो जाए, यही होता है। मैं इसको प्रूव करता हूँ, उसके लिए एक तरीका अपनाता हूँ। देखो एक चीज़ होती है, जब वेव फंक्शन का आगे और डिस्कशन करेंगे वहाँ पर मैं इसको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान रख लो कि अगर मान लो कि मैं माइनस इंटीग्रेशन, माइनस से पॉजिटिव इंटीग्रेशन करता हूँ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक किसका, साई स्टार साई, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं कंप्लीट स्पेस में, डी टो होल स्पेस में, डी टो मतलब वॉल्यूम बताता, आयतन को बताता, मतलब पूरे आयतन में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये चीज़ जो होती है वो कुल प्रायिकता को बताती है, टोटल प्रोबेबिलिटी को बताती है। किसको बताती है? कुल प्रायिकता को, टोटल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना होता है, उसका वैल्यू वन होता है, तो ये चीज़ होता है वन, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। मान लो कि कोई पार्टिकल है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होने के कितने चांस है, यहाँ पर होने के कितने चांस है, यहाँ पे होने के कितने चांस है, मतलब कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रायिकता है। तो टोटल जो प्रायिकता है यहाँ से लेके माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक ले पाए जाने की प्रायिकता टोटल कितनी होगी, वन, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, वन होता है, ये होता है, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, मैं एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑपरेटर, मैं टाइम वाले एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, टाइम वाले। तो देखो, सिंस ऊर्जा संकारक, ऊर्जा संकारक एनर्जी ऑपरेटर जो होता है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या, आयोटा एच कट डी बाई डी टी। आपको जब हैमिल्टोनियन बोले ना, तब तो आप वो दूसरा वाला काम में ले लेना, एनर्जी का बड़ा वाला फॉर्मेट। आपको जब नॉर्मल कुछ नहीं बोले तो आप ये काम में ले लेना, एनर्जी के बारे में बोले तो ये ई केप वाला ही काम में ले रहा हूँ। तो मुझे इसके अंदर कुछ इस टाइप का जनरेट करना है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, पहले मैं जुगाड़ समझ लेना, लॉजिक समझ लेना, एक बार मैं थोड़ा करता हूँ फिर मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों किया मैंने। ये इक्वेशन नंबर वन है मान लो, तो इक्वेशन नंबर वन का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। Differentiating equation वन with respect to time t, ठीक है, तो इसका time के respect में differentiation करते हैं, time के respect में differentiation कर रहा हूँ d by dt, ये है साई स्टार साई डी टो, इधर differentiation करूँगा constant है तो क्या हो जाएगा, zero, okay। अब देखो ये जो differentiation है वो time में है, ये जो इंटीग्रेशन है वो आयतन में है, मतलब एक्स वाई जेड में है, तो एक्स वाई जेड और टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इस डिफरेंशिएशन को अंदर भी लेके आ सकते हैं। इसको अगर मैं अंदर ले आऊं तो देखो क्या होगा, अगर इसको अंदर लेके आता हूं तो देखो ये हो जाएगा डी बाई डी टी,
ये है डी बाई डी टी साई स्टार साई, ये तो इंटीग्रेशन को शो कर रहा, तो मैं तो इसको तो ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसा आ गया। लिमिट वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मैं कई जगह पर नहीं भी लिखूंगा तो भी उसका मीनिंग अंडरस्टूड है। कई जगह पर स्पेशली जहाँ पर बोला जाएगी यहाँ पर ये लिमिट नहीं है, वहाँ पर पर्टिकुलर लिमिट यूज करनी है। अब इसमें देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले साई स्टार को मैं मल्टीप्लीकेशन रूल से बाहर ले लिया, इसको डी साई बाई डी टी प्लस साई स्टार का डिफरेंशिएशन हो गया, साई स्टार को पहले ले लिया इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब फिर मैं साई स्टार का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डी साई स्टार अपॉन डी टी, और जो साई है वो इधर बच गया, इज इक्वल्स टू जीरो। ये बात समझ में आई? अरे पहले साई स्टार का कर दिया, सॉरी साई स्टार को बाहर ले लिया, फिर साई को साई इधर है तो इधर रख दिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, दोनों का हो गया मल्टीप्लीकेशन रूल से सिंपल। आगे बात करते हैं, मैं काम करता हूँ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सेपरेट कर लेता हूँ, साई स्टार डी साई डी टी डी टो इसके साथ में भी ले लिया, और ये इंटीग्रेशन ऐसे कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी साई स्टार डी टी साई डी टाउ इज इक्वल्स टू जीरो। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको उधर भेज रहा हूँ मैं, इसको तो इधर ही रख लिया मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी साई स्टार। अभी थोड़ी देर पहले सुन लो मैं क्या बोले जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ आपको एक साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं ये ही क्यों कर रहा हूँ। इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं इधर उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं ये चीज़ सब कुछ कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार डी साई डी टी डी टो ऐसा आ गया। मैंने पहली चीज तो डी बाई डी टी से ही मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन क्यों किया था, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसलिए किया था क्योंकि मुझे यहां पर एनर्जी ऑपरेटर बनाना, यहां पर ई लेके आना है दोनों तरफ, क्या लेके आना, ई, और दोनों तरफ ई क्यों लेके आना चाहता हूं अभी मैं ये चीज भी बताऊंगा। बट ई कैसे आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से, क्योंकि मुझे एनर्जी ऑपरेटर बनाना है, एनर्जी ऑपरेटर लेके आना, तो डी बाई डी टी तो होना ही चाहिए था ना, इसलिए मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था। लेकिन डी बाई डी टी से काम नहीं चलेगा, आयोटा एच कट भी होना चाहिए वहां पे, इसका मतलब मुझे आयोटा एच कट भी लेके आना पड़ेगा दोनों तरफ। अच्छा तो आयोटा एच कट अगर लेके आना तो मैं दोनों तरफ आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दूं? ओके कर दो भैया। तो आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई करने पर, आयोटा एच कट से दोनों तरफ गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड विद आयोटा एच कट, दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर इसको मल्टीप्लाई करो भैया, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस आयोटा एच कट, आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, डी साई स्टार डी टी साई डी टो, और इधर देखो ये जो है आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आयोटा एच कट से, तो माइनस तो पहले ऑलरेडी था, तो माइनस आयोटा एच कट साई स्टार डी साई बाई डी टी डी टो। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो क्योंकि मेरे को पता है क्या, सिंस वी नो दैट ई कैप क्या होता है, आयोटा एच कट डी बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, ई कैप लिखते हैं, लिखते हैं ना, अरे ये चीज़ लिखा करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो अगर ये चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो इस चीज़ का भी यूज करने वाले हैं हम लोग। देखो कैसे यूज करें इसको हम लोग, देखना आप इस चीज़ को, मैं काम करता हूँ दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगर किसी को एतराज है, कोई एतराज नहीं होगा ना,
तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी, उससे पहले मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। ये देखो ये ऐसा आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको लेफ्ट साइड को ऐसे रहने दो, डी बाई डी टी साई स्टार साई डी टाउ, ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये देखो ये मैं साई स्टार आयोटा एच कट को इसके साथ में लिख लेता हूँ, आयोटा एच कट डी बाई डी टी, जो माइनस है माइनस को इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो माइनस इधर आ जाएगा और उधर से हट जाएगा, एक ही बात है ठीक है। इधर ये आयोटा एच कट ये डी बाई डी टी के साथ में लिख लेता हूँ ताकि ये ऐसा बन जाए, और ये डी साई डी टो। अभी इस चीज को समझना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस चीज को ध्यान से देखना, ये जो है ये आयोटा एच कट डी बाई डी टी क्या ई है ना, तो ये हो गया आई, एक सेकेंड मैं इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसा है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लेना आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। देखो अगर मैं इसका वापस से स्टार ओपन करूंगा तो साई का तो स्टार हो जाएगा, ई केप का भी स्टार हो जाएगा, मतलब ये आप चीज नोट करना यहाँ पे, ये जो है ई केप क्या है आयोटा एच कट डी बाई डी टी और ये साई है, ऐसा है अंदर वाला, इसका स्टार लगाऊंगा तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा, आयोटा का स्टार हो जाएगा, तो आयोटा स्टार क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, रेसे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसा ही तो किया आयोटा एच कट डी साई स्टार बाई डी टी को, मैंने ऐसा ही तो किया है, अरे ऐसा ही किया है ना, इसका मतलब कि मैंने इसको ये ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। ओके अब देखो आगे, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार, ये क्या है ई है ना आयोटा एच कट डी बाई डी टी, ये ई ये साई डी टाउ, ये मिला मुझको, अरे ये मिला ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब देखो इस चीज को, यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से आपने एक इक्वेशन पढ़ा था ना, वो वाला कौन सा, हमने एक एडजॉइंट का इक्वेशन पढ़ा था, कौन सा ऐसा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी साई डेगर और फाई डी टो इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई डेगर और यहाँ पे ए और फाई डी टो, ऐसा पढ़ा था। इस इक्वेशन का क्या मीनिंग था, इसका मीनिंग ये था कि अगर ये फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर जैसे ऑपरेटर ये है यहाँ पे ये ऑपरेटर है, तो अगर दोनों ऑपरेटर सेम हो, मतलब कि ये जैसे बी स्टार और ए दोनों सेम ही चीजें लिख रहा हूं मैं यहां पे, अगर मान लो यहां पर इसको ए लिख दूं मैं, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ए डेगर जो है वो इस ए के बराबर आता है, इसका मीनिंग यही तो है। तो यहां पर देखो यहां पर ऑपरेटर कौन है, ई है, और मैंने आपको बताया था डेगर की जगह पर हम लोग इस जगह पर कई जगह पर स्टार काम में लेते, तो वो उसी वाला फॉर्मेट है ये, तो यहां पर ए जो है वो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों तरफ सेम ही ऑपरेटर चल रहा है ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इसका डेगर इसके बराबर आएगा, मतलब ई का डेगर जो है ई का डेगर है वो ई के इक्वल आएगा, और ई का डेगर ई के इक्वल आ रहा मतलब खुद सेल्फ एडजॉइंट है, खुद का डेगर खुद के बराबर आता है, तो उस ऑपरेटर को हम हर्मिशियन ऑपरेटर ही बोलते हैं ना, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए मुझे ये इक्वेशन प्रूव करनी पड़ी, हर्मिटियन कारक के लिए मुझे ये इक्वेशन प्रूव करनी पड़ी। तो मेरा जो टारगेट था, मेरे मेंटली माइंड में जो टारगेट चल रहा था वो ये था कि मुझे ये लेके आना है, ये लेके आना है, मतलब मेरे को एक तो ई बनाना है। देखो एक चीज नोट करना, यहां पर तो दोनों साई साई सेम चल रहे हैं, यहां पर एक फाई था एक साई था,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों सेम भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये जो जो वेव फंक्शन है दोनों सेम भी हो सकते हैं, इस फॉर्मूले में भी दोनों सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब साई और फाई में कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों कैसे भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखो हमारे सेम ये साई साई, तो ये फॉर्मेट लेके आना था, मतलब मुझे इस इक्वेशन में मुझे ई ई बनाना था। तो पहले पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने एक ये प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन काम में लिया, ये फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट मुझे एनर्जी का ऑपरेटर बनाना, तो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में किया। आगे देखना, अगर मोमेंटम का ऑपरेटर बनाना होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे या वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे या जेड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके। तो ये इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, और फिर मैंने कोशिश की कि मैं क्या करूँ, दोनों को अलग अलग दो टर्म बना दूँ, एक लेफ्ट साइड में ले जाऊँ, एक राइट साइड में ले जाऊँ, और फिर एनर्जी ऑपरेटर बनाने की कोशिश कर रहा था मैं उसको। तो ये पूरा एनर्जी ऑपरेटर बनाने की कोशिश की थी, और ये फाइनली एनर्जी ऑपरेटर बन गया। तो ये हर्मिटी संकारों को शो करता है, हर्मिशियन संकारों को बताता है ये चीज। आई भाई आ रही ना बात समझ में? तो मैं ये चीज तो ये समझाने के लिए लिखा था, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका माइंड कैसे काम करता है वो चीज समझ में आनी चाहिए आपको। तो अब देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हम आगे बात करते हैं। चलो भैया, तो यहां से ये बात क्लियर होगी क्या कि ई डेगर जो है वो ई डेगर, या मैं स्टार बोल देता हूँ, यहाँ तो डेगर ही बोल लो या स्टार बोल लो, ई डेगर ई के इक्वल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट एनर्जी ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा संकारक एक हर्मिटी संकारक का। सेम इसी तरीके से हम लोग संवेग संकारक के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर को भी प्रूव करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। जब मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे तब भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर का एक आइडिया दे देता हूँ, मोमेंटम ऑपरेटर में भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मोमेंटम जो ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच के डी बाई डी एक्स होता है। इसका मतलब मुझे जो डिफरेंशिएशन करना है वो एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके okay.